मैम पेपर टू के लिए मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ आपका मैंने कोर्स लिया था और उसको ही मैंने बहुत मतलब इसे शिद्दत से फॉलो किया था। ये नहीं कि आज कर लिया बीच में गैप ले लिया, ये सही मतलब बात है, सही बात। हर एक चीज को मैं करता ही गया करता ही गया। ये कभी नहीं सोचा कि इतना ज्यादा है कैसे माइंड में रखूंगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं वो सब करते चला गया करते चला, और मैंने इतने ज्यादा रजिस्टर, कम से कम 12-13 रजिस्टर तो मैंने भरे लिए आपके नोट्स बना बना ओ के। जी मैम, तो मैम उसके लिए मैं, और आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये सबसे अच्छी चीज है कि आप बीच में ही डिस्कस कर लेती थी, तो उससे मुझे सही बात, आइडिया रहता, उससे मुझे आइडिया हो जाता था कि कौन सी चीज को किस वे में पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज आपके कोर्स में लगी थी। और बाकी जो उसके बाद में आपने वीडियो कोर्स भी लॉन्च किया था, तो उससे मुझे जी बहुत ज्यादा, उससे जो एनिमेटेड वीडियोस आप डालती थी उसमें जी कैरेक्टर, उसमें कैरेक्टर्स रहते थे, तो ये चीज सबसे यूनिक लगी। ऐसा मतलब अभी कोई भी लिटरेचर का, ऐसा कोई भी लिटरेचर का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एनिमेटेड वीडियोस आ रही हो, एकदम आपने जैसे जीवंत बना दिया हो लिटरेचर को, तो ये जी बहुत जी अच्छा। फर्स्टली अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर टीम फॉर अचीविंग दिस ग्रेट माइलस्टोन। वी आर ऑल रियली रियली प्राउड ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर सक्सेस। थैंक यू सो मच मैम। सो आई वुड वॉन्ट टू यू नो टेक अप दिस वीडियो कॉल, जूम कॉल एज एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस टू यू related to how did you prepare and what are the challenges that you faced, so that a lot of students who are also preparing for NET gets this help and guidance and will be able to you know use your strategy and make their preparation even smoother. Okay, जी मैम, so great, great. So firstly I would want to know a little bit about you. Where are you from? What have you done? What was your educational qualification and what inspired you to sit for NET? ओके मैम। मैम माय नेम इज सोनू सिंह एंड आई बिलोंग टू अ विलेज नेम्ड कोढ़ा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2021 फ्रॉम सीएसएन पीजी कॉलेज हरदोई, एंड ओके okay. पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज अलीपुर हरदोई। मैम मैंने जो 12th किया था वो मैंने साइंस से किया था, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो चाहते थे कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, लेकिन मेरा जो झुकाव था वो लिटरेचर से बढ़ रहा था जब मैं 11th में ही था। तो मैंने जी फिर क्या किया, फिर मैंने क्या किया कि मैंने पापा से कहा कि मुझे 12th साइंस से मैं कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं आर्ट्स ही लूंगा। तो पापा ने कहा चलो ठीक है कर लेना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बीए किया इंग्लिश से, तो उसमें मैंने बहुत मतलब टॉप ही किया था। फिर उसके बाद एमए भी मैंने टॉप किया था। तो फिर उसके बाद मैंने आपकी वीडियो में एमए में देखता था यूट्यूब पे, तो उससे मुझे पता चला कि आप यूजीसी नेट कोई एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराती हैं, तो मैंने उसके बारे में पता किया कि ये क्या एग्जाम है, मतलब किस लिए है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इसे करने से। फिर जब मैंने उसका सिलेबस चेक किया यूजीसी की साइट पे, तो उसमें सिंपली डिफाइन किया था कि 10 यूनिट्स हैं और ड्रामा पोट्री ऐसे करके, तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ड्रामा तो पता नहीं कौन सा ड्रामा क्या पढ़ें। तो फिर जब जी मैंने आप जब मैं, उसके बाद आपकी साइट को मैंने विजिट किया, तो उसमें मैंने देखा कि आपने एक प्रॉपर वे में सब कुछ कैटेगराइज किया है, एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है आपका। तो फिर मैंने आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो लिया मैंने। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन जब मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर में था तभी से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन क्या है कि मैंने पेपर वन को सीरियसली नहीं लिया था। तो मैं ओ उसमें तो मैंने जब जून वाला अटेम्प्ट दिया 2024 में, तो मैं डिसक्वालीफाई हो गया उसी की वजह से। उसके बाद मैंने मैम दोबारा से फिर से स्टार्ट की अपनी प्रेपरेशन, तो इस बार मैंने पेपर वन को शुरू से ही सीरियसली लेना शुरू किया था कि इंग्लिश जी लिटरेचर मैं अच्छा था ही, लेकिन मैंने कहा दोनों को इक्वली लेना है, तो फिर इस जी बार मैं इसलिए हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी पूरी लाइफ स्टोरी जान के, कि आपको लिटरेचर की तरफ जो झुकाव था उसके लिए आपने स्टैंड लिया
और एक जी ऐसा सोसाइटी जहाँ पे ह्यूमैनिटीज को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि आप जैसे लोग इस फील्ड में उतर रहे हैं जो इतना पैशनेट है, जिनको लिटरेचर इतना पसंद है। बिकॉज एक टीचर अगर अपने सब्जेक्ट को पसंद करेगा तभी वो अपने बच्चों में वो चीज इनकलकेट कर पाएगा। जी तो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द स्टैंड एंड बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। मुझे एक आपके प्रिपरेशन जर्नी में ये समझना है, जैसे कि आपने बताया कि आप एक छोटे इलाके से हैं, एक रूरल एरिया से हैं, तो आपको क्या तरह के चैलेंजेस वहां पे फेस करने को मिले? क्योंकि वहां पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा टीचर्स का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज, इन सब जगह जिस तरह का एक लिटरेचर को लेके कल्चर है, वो कल्चर शायद मिसिंग है इंडिया के उन छोटे छोटे जगहों में। तो आपने किस तरीके से वो चैलेंजेस को फेस किया और आगे बढ़े आप? जी मैम, मैंने जब अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तो मैंने एक भी क्लास नहीं ली इंग्लिश की कॉलेज में। जी जी मैंने अपनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही करी है। जी आपके वीडियोस मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किए जितना भी मुझे मिलता था। बाकी मेरी जो यूट्यूब था उस पे मैं हर प्ले जी नॉवल जो भी मिलता था वो उसका समरी वीडियो जितना भी मैंने ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही करी थी BA MA में भी। और ओके ओके उसके बाद में जब UGC नेट की बारी आई तब मैं बहुत ज्यादा वो था कि ये MA से बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम है, ये कोई छोटा जी एग्जाम जी नहीं, एग्जाम नहीं है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि लिटरेचर एकदम ओशन सा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ें कहाँ पे खत्म करें। तो मैंने जी कहा, जी फिर मैंने सोचा कि ऐसा भी नहीं है कि इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं किया जा सकता है, बहुत से लोगों ने किया बिल्कुल भी है। तो बिल्कुल फिर मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया क्योंकि मुझे आपका सबसे बेस्ट कोर्स लगा उसमें। जितने भी मैंने सर्च किए हैं, किसी का नाम नहीं लेना जी चाहूंगा, लेकिन जी जी उसमें से आपका एकदम प्रॉपर वे में था हर एक चीज, प्रॉपर वे में। हाँ, देख के ये लगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर अर्पिता मैम ने ये दिया है इतना, तो जी इतनी रिक्वायरमेंट है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आपके जो ऑडियो लेक्चर्स थे मैंने बिल्कुल एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से ही। ये नहीं किया कि बीच से मैंने स्टार्ट कर दिया हो कुछ भी, जी तो शुरू से ही स्टार्ट किया था। मैंने कहा कि एकदम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो मैंने जी हर एक चीज में नोट करता था, उसको रिवाइज करता था, उसको रिवाइज भी प्रॉपर करता था। बाकी मैंने हर चीज को एज वाइज ज्यादा रिवाइज किया है इसमें। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उससे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत मदद मिली होगी आपको। जी जी मैम, तभी तो क्रोनोलॉजी जी अलग से तैयार भी नहीं करनी पड़ी, उसी से हो नहीं गया था। करनी पड़ी, सही जी बात है, सही जी बात है। और जैसे आपने बताया आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया था, तो क्या आपको ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने क्लियर नहीं किया तो आपको डिमोटिवेटेड फील हुआ, और आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं गिव अप कर देते हैं, या किस तरीके से आपने मोटिवेशन रीगेन करी कि नहीं मुझे वापस एक अटेम्प्ट देना है, फुल फ्लेज्ड तैयार हो गए? जी मैम, ऐसा तो बिल्कुल मन में नहीं आया कि मैं ये छोड़ ही दूंगा, क्योंकि मुझे ये करना जी ही था। मैंने ये सोच जी रखा था करके तो रहूंगा चाहे जितने अटेम्प्ट हो जाए मेरे। तो जी फिर जी हाँ, ये डर था कि पेपर 1 में मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मुझे बहुत डर लगता, मुझे ये डर लगता था कि पेपर 1 की वजह से मेरा डिसक्वालीफाई हो गया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो जितना मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता हूँ अगर इक्वली पढ़ूँ, लोग पेपर 1 कम पढ़ते हैं ना, तो मैंने कहा जी कि जी मैंने सोचा कि बराबर अगर टाइम दूंगा दोनों को तो मेरा जरूर क्वालिफाई होगा। तो होगा। उसके बाद मैंने अपना जो पेपर 1 है उसके लिए मैंने तलवीर सर को फॉलो किया था अनअकैडमी से। बाकी जी जी वो जैसा जैसा बताते थे वैसा वैसा मैं करता गया। वैसे हालांकि जो DI वगैरह मुझसे नहीं बनता है, तो मैंने 8 यूनिट्स जो मेरी हैं वो बहुत स्ट्रांग मैंने करी थी, उनको बिल्कुल डीपली पढ़ा था। तो बिल्कुल बिल्कुल उस वजह से नहीं, ये पेपर बहुत बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि अपने स्ट्रेंथ्स पे आपने प्ले करने की कोशिश करी, कि जो जी चीजें मैम अच्छी नहीं है उसी पे दिमाग नहीं लगा के, जो अच्छा है या जो आपसे आराम से हो जाता है उसमें और मेहनत करें, कि उसमें हम कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। और तो जित मैम हाँ जी मैम बताएं। इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में मुझे कभी भी दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं लिटरेचर में अपनी लाइफ को जीता था। मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता था जब मैं प्ले नॉवेल्स जितना ये सब पढ़ता था, एकदम लिटरेचर के वर्ल्ड में ही रहता था। कहीं भी जाऊं तो उन्हीं चीजें वही चीजें दिमाग में चलती रहती थी दिमाग में हमेशा। चलते, बहुत ही वंडरफुल। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे साथ में ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो लिटरेचर को बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज जी मेरे लिए यूजीसी नेट एग्जाम एक एग्जाम है जिससे आप अपना करियर बनाएंगे,
बट अगर जी हम लिटरेचर से जुड़ जाते हैं तो एक सोसाइटी में जो जी बदलाव ला सकते हैं, आज जो शेक्सपियर अपने टाइम पे, चार्ल्स डिकेंस अपने टाइम पे, ये राइटर्स ने कहीं ना कहीं जी सोसाइटी को झंझोड़ दिया था। और वो जो बोलते हैं कि पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, वो यहीं से जी कहावत निकली है कि आप अपने जी कलम से आप बहुत मतलब बहुत लोगों के दिल को छू सकते हैं, उनको आप प्रतिबद्ध कर सकते हैं कि वो कोई स्टेप ले, कोई आवाज उठाए किसी गलत चीज के पीछे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जान के कि मेरे स्टूडेंट्स लिटरेचर को जीते हैं, कहीं ना कहीं उससे जी इंस्पायर होते हैं, उससे अपने आप की जिंदगी को बदलते हैं, समाज में बदलाव लाने का सोचते हैं। तो बहुत बहुत ही जी बढ़िया बात है। तो जी आपने अभी जैसे एक पॉइंट बोला कि पेपर वन पे आपने पहले फोकस नहीं किया था, तो आपके हिसाब से जब सेकेंड अटेम्प्ट आपने दिया तो आपने क्या पेपर वन पेपर टू दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी? जी मैम बिल्कुल। मैंने क्या किया कि इंग्लिश लिटरेचर में पहले अटेम्प्ट में इतना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, इतना पढ़ा कि पेपर वन पे ध्यान ही नहीं ज्यादा दिया। तो मैंने कहा हाँ कि अब मैंने कहा आप बैलेंस करने की जरूरत है, जितना मैं इसको दे रहा हूँ टाइम उतना है उसको देना है, तो जिस वजह से मेरा हो पाया। तो मेरे हिसाब से यही है कि पेपर वन भले ही 50 क्वेश्चन आते हैं लेकिन इंग्लिश के 100 के बराबर ही उसको टाइम देना है, उतना ही प्रिपरेशन देना है, उसकी। जी क्योंकि बहुत जी डाइवर्स भी है ना, मतलब हर यूनिट अलग अलग जगह से पूछी जा रही है, डेटा जी जी इंटरप्रिटेशन अलग है, रिसर्च मेथडोलॉजी अलग है, कम्युनिकेशन अलग है, तो आपको सब तरह की चीजों की नॉलेज लेनी। जी सही बात मैम है, बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आपका मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग ये इतना स्ट्रांग नहीं था, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो उसके लिए आपने उसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी? मैम एक्चुअली ऐसा भी नहीं कि रीजनिंग में मैं अच्छा हूँ, केवल मुझसे DI नहीं बनता था, बाकी मैंने जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके मैंने कहा 5 on 5 मैं लेके रहूंगा, तो उसके लिए मैंने बहुत प्रेपरेशन करी। और उसके बाद में जो मैथमेटिकल रीजनिंग है जैसे ब्लड रिलेशन या ये कोडिंग डिकोडिंग, ये भी मैंने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करी और कंप्रिहेंशन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी मैंने। बाकी जो DI था तो DI के लिए मैंने प्रेपरेशन नहीं करी थी, मैंने कहा चलो 5 क्वेश्चन नहीं भी कर पाएंगे तो कोई नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास ये 8 यूनिट हैं इनमें मैं कोई भी चीज मिस नहीं करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी रही। बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब ये तो है कि अगर आप कोई एक यूनिट में कमजोर हैं, तो फिर आपको उस कमजोरी को ओवरकम करने के लिए अपने स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा जी जी अच्छा करना जी पड़ेगा। जी जी अगर बिल्कुल। अगर मैं DI में लग जाता तो मेरी जो ये स्ट्रेंथ थी उसको भी मैं नहीं कर पाता, उसमें भी नहीं कर पाता। जी सही मैम बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एंड जी कौन से टॉपिक्स एरिया आपको लगता है पेपर टू में, क्योंकि जैसे पेपर वन में तो जी लगभग इक्वल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जी पेपर टू में तो हर यूनिट के से, मतलब जैसे ब्रिटिश लिटरेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर टू के, जिसपे सबसे पहले स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए? मैम सबसे पहले तो पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, वो उसका नॉलेज लेना चाहिए कि कहाँ से इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुई है, कहाँ तक गई है। पहले तो आपको हिस्ट्री और बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद में क्या है कि एजेस वाइज पढ़ना चाहिए ब्रिटिश लिटरेचर को, और इसमें क्या है कि जो ब्रिटिश लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरीज और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये 3 चीजों में आपको मतलब बहुत मास्टर्स ही होना चाहिए इसमें तीनों में, क्योंकि इनसे बहुत इनसे ही ज्यादातर क्वेश्चंस नेट में बनते हैं, यही 3 को बहुत अच्छे से पकड़ के चलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। मैं भी आई थिंक अपने लाइव में ये काफी बार बोलती हूँ कि 50% तो ब्रिटिश लिटरेचर से है ही, और लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म से मिला के 20 से 30% आता है, डिपेंडिंग अपॉन ये लोग हर साल थोड़ा थोड़ा रेशियो कम ज्यादा करते हैं। तो आप जी मैम देखिए 3 यूनिट से 80% पेपर आ रहा है, तो अगर ये 3 यूनिट भी आपने बहुत कर ली तो आपका नेट निकलना बहुत आसान हो जाता है, आप अगर कोई और यूनिट छोड़ते भी हैं तो। मतलब इसमें मुझे ये भी बताएं कि जैसे आपने क्या क्या मटेरियल यूज किया था पेपर टू की प्रिपरेशन के लिए? मैम पेपर 2 के लिए मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ आपका मैंने कोर्स लिया था और उसको ही मैंने बहुत मतलब इसे शिद्दत से फॉलो किया था, ये नहीं कि आज कर लिया बीच में गैप ले लिया, ये सही मतलब बात है, सही बात। हर एक चीज को मैं करता ही गया करता ही गया, ये कभी नहीं सोचा कि इतना ज्यादा है कैसे माइंड में रखूंगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मैं वो सब करते चला गया करते चला। और मैंने इतने ज्यादा रजिस्टर, कम से कम 12-13 रजिस्टर तो मैंने भरे लिए आपके नोट्स बना बना ओ के। जी मैम तो मैम उसके लिए मैं, और आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये सबसे अच्छी चीज है कि आप बीच में ही डिस्कस कर लेती थी, तो उससे मुझे सही बात। आइडिया रहता उससे मुझे आइडिया हो जाता था कि कौन सी चीज को किस वे में पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज आपके कोर्स में लगी थी। और बाकी जो उसके बाद में आपने वीडियो कोर्स भी लॉन्च किया था, तो उससे मुझे जी बहुत ज्यादा, उससे जो एनिमेटेड वीडियोस आप डालती थी उसमें जी कैरेक्टर उसमें कैरेक्टर्स रहते थे, तो ये चीज सबसे यूनिक लगी। ऐसा मतलब अभी कोई भी लिटरेचर का
ऐसा कोई भी लिटरेचर का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एनिमेटेड वीडियोस आ रही हो, एकदम आपने जैसे जीवंत बना दिया हो लिटरेचर को, तो ये बहुत जी, अच्छा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब सुनो आप, देखिए कितने नॉवेल्स हैं, मेरे को जितना याद है मैंने मेरी प्रिपरेशन में कोई 1200-1300 नॉवेल्स, नॉवेल्स पोएट्री ड्रामा सब मैं मिला के बात कर रही हूँ, उतने को आपको डिटेल में उनकी स्टोरीज पता होनी चाहिए। अब इतनी सारी स्टोरीज आप दिमाग में कैसे रखो, चलिए आपको स्टोरी लगभग याद भी रह जाएगी बट कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, चार्ल्स डिकेंस के ही अगर 5 नॉवल पढ़ ले तो सारे कैरेक्टर इधर उधर हो जाते हैं। तो तब मुझे ये लगा था कि मैं बहुत स्टोरी बोर्ड्स बना के पढ़ा करती थी कैरेक्टर्स बना के, तो मुझे लगा अगर मैं ऐसे पढ़ा दूं तो वो स्टूडेंट्स के दिमाग में छप जाएगी। हमारा एज अ टीचर एक ही काम है कि हम इतना इजी तरीके से पढ़ाएं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को समझने में, याद करने में जितनी आसानी करवा सके हम वो कराएं, क्योंकि आप लोग खुद बैठ के इतनी इतनी देर पढ़ रहे हैं लेक्चर्स, तो आपके लिए जितना इजी ये प्रोसेस बना सके। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो वीडियो लेक्चर्स से आपको बहुत मदद मिली, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उन वीडियो लेक्चर्स की सीरीज के लिए, एक एक के ऊपर इतनी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है एंड उनके पूरे एनिमेशन बनते हैं, प्रूफ रीडिंग होती है, तो मतलब एक एक वीडियो में हमारी जान लग जाती है। तो अगर उनसे बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को तो ये देख के हमारी, हमें लगता है हमारी मेहनत सफल हुई है। जी मैम, जी, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड जैसे आपने बताया कि मतलब आपने जब नेट का सिलेबस पहली बार देखा था, तो आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि आपको कोचिंग का जरूरत है, मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुद से पढ़ के एक बार देखूं? नहीं मैम ऐसा नहीं था, अगर खुद से भी करता तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता लेकिन कर लेता, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं मटेरियल इकट्ठा करने में इतना टाइम लगाऊंगा तो मैं उसको लिखूंगा कब, याद कब करूंगा, रिवाइज कब करूंगा, इससे तो मुझे 1 साल से ज्यादा, कम से कम 2 साल तो लग जाएंगे, मुझे ऐसा फील हुआ था। क्योंकि सही इसका बात है। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस ही बहुत वास्ट है, और ये चीज भी है कि जो भी अदर सब्जेक्ट है उनका डिफाइंड सिलेबस दिया है यूजीसी ने, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस डिफाइंड नहीं किया है उन्होंने, तो तो मैंने सोचा कि ये सही बात है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, 16 16 घंटे क्यों लगाना, अगर अर्पिता मैम प्रोवाइड कर रही हैं तो अगर अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करके हम कुछ सीख सकते हैं तो वो जरूर करना चाहिए, इससे मेरी जो मतलब जो टाइम है उसकी बचत होगी और मैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर पाऊंगा। सही बात है। एक मुझे लगता है कि एक मेंटर के गाइडेंस से ये बहुत बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मैं बड़ी एंथुजियास्टिक थी लिटरेचर को लेके आपकी तरह, तो मैंने तो एंग्लो सेक्सन के बेओवुल्फ में इतना समय लगा दिया, पता चले मैं तो एंग्लो नॉर्मन ही 2 महीने से पढ़ रही हूँ, फिर मुझे पता चला यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता, तो मेरे काफी समय मैंने इस तरह से वेस्ट किया था। तब मुझे समझ आया कि अरे एक मेंटर अगर ये बताता है कि ये टॉपिक को इतना पढ़ो, इतना आप उसने पढ़ा दिया आपको और बोला कि बस इस राइटर का इतना ही पढ़ना है, जॉन क्लेयर से जैसे इस बार क्वेश्चन आया तो उसके बारे में आपको अगर 10 पॉइंट भी पता है तो बहुत है, पीबी शेली के बाद में 150 पॉइंट भी पता है तो वो कम है, तो ये डिफरेंस एक टीचर बता पाता है, जी तो मैम वो एक अच्छा मतलब एक गाइडेंस मिलती है। बाकी तो देखिए मेहनत, मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टूडेंट का 80% योगदान है, हम कितने भी अच्छे लेक्चर देते हैं, हम तो अपने कोर्स में हर स्टूडेंट को वैसा ही पढ़ाते हैं, बट कुछ ही स्टूडेंट्स क्यों क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि वो अपना 100-200% देते हैं इस चीज को। सही बात है। और मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब arpitakarwa.com में क्या चीजें आपको अच्छी लगी, क्या ऐसा लगा कि नहीं ये चीज मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी? मैम मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, जो लिटरेरी थ्योरीज हैं वो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी जब मैंने आपके लेक्चर्स नहीं सुने थे, मैंने जी ऐसे ही देखा था यूट्यूब पे थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता था कि ये बहुत चैलेंजिंग, मतलब बहुत चैलेंज है इसमें, तो मैंने जब मैंने आपका वो इंट्रोडक्शन वाला सुना उसमें लिटरेरी थ्योरीज में, तो आपने कहा कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप जरूर प्यार करेंगे, ये सबसे अच्छा सेक्शन है लिटरेचर का, जी तो मैंने कहा अगर अर्पिता मैम को ऐसा कह रही है तो जरूर ऐसा होगा ही, तो मैंने जी जब मैंने सुनना स्टार्ट किया तो बहुत ही आपने एकदम प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ डिस्क्राइब किया, अच्छे से समझाया हर चीज को, तो मैंने वो स्टार्ट से एंड तक किया तो मेरी पूरी लिटरेरी थोड़ी कंप्लीट हुई। बाकी उसके बाद मैंने जो राइटर्स की बुक्स वगैरह होती हैं उनके नाम थोड़े मुझे बार बार रिवाइज करने पड़े थे, क्योंकि वो माइंड से हट जाती थी कि कौन सी राइटर की कौन सी जी बुक है, तो इसमें थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। बाकी अदरवाइज पूरा लिटरेचर देखा जाए तो आपने जितना भी कवर किया है बहुत ही अच्छे से कवर किया है, बहुत एकदम जी स्टेप बाय जी स्टेप है पूरा। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आपने वो एक भरोसा एक टीचर पे दिखाया कि जी अगर मैम अर्पिता ये बोल रही हैं, अर्पिता मैम का जी ये कहना है कि इतना ही पढ़ना है, या उनका कहना है कि ये टॉपिक इजी है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि जी काफी खेलना सोना दिमाग का होता है।
हम अगर हवा बना लेते हैं किसी टॉपिक का, वो कितना भी आसान हो, आपने अगर दिमाग में सोच लिया है कि ये मुश्किल है, जैसे मुझे नंबर से हमेशा डर लगता है, मेरे लिए अगर आप मैथ का कोई सिंपल बॉड मास का सम भी दे देंगे तो भी मुझे लगेगा अरे बाप रे ये तो कैसे ही सॉल्व होगा मुझसे, तो वो हवा ज्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं, अगर वो एक टीचर पे हम फेथ रखते हैं कि नहीं होगा। जैसे मैं आजकल अभी मैं बहुत वर्कआउट वगैरह कर रही हूँ, तो मेरे जो जिम ट्रेनर आते हैं घर पे, तो मतलब मेरे को 5 या 10 रिपीटेशन करके लगता है कि नहीं नहीं अब इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकती, और वो जो मोटिवेट करते हैं कि नहीं होगा 15 करो तुम, होगा, वो करके मैं देखती हूँ, कई बार मैं 20-25 रिपीटेशन भी मार लेती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ बॉडी में शक्ति तो है ही, बस कहीं ना कहीं हम ही अपनी बॉडी को मेंटली बोल देते हैं कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जान के कि आपने जो मेरी बोली हुई चीजें थी उस पर फुल फुल फेथ दिखाया। काफी सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि हम तो जो गाइडेंस देते हैं वो है ही, साथ में वो अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। मेरे अभी यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्लिनिक है डॉक्टर का, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीजें लिख रखी है अपने क्लिनिक के बाहर कि गूगल की आधी अधूरी नॉलेज को बाहर रख के एंटर करें, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि उस डॉक्टर ने इतने साल की पढ़ाई करी है, उसको पता है। हम ये सोचे हमने गूगल पे ये पढ़ा तो ये बीमारी हो गई हमको, इसके लिए यही दवाई दो आप, तो फिर जी डॉक्टर मैम, इलाज कैसे करे। जी हाँ जी मैम, एक चीज मैंने और देखी है, कई बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, ना नोट्स बनाते ना रिवाइज करते, और बाद में टीचर को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने तो इतना ज्यादा कवर कर दिया जो मेरे माइंड में ही नहीं सेट हो पाया। तो इसमें जी आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए। मेरा पिछला अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अर्पिता मैम के उसकी तरफ से कोई कमी थी। मैंने कहा हाँ मेरी कमी थी इसलिए मेरा नहीं हुआ है, जो मैं अगली बार ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं, भले आप किसी को ब्लेम कर दें लेकिन उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सही बात है, बिल्कुल बहुत। और लाइफ में देखिए ब्लेम गेम किसी भी एरिया में नहीं खेलना चाहिए, जो आपने बात बोली वो बहुत सही है कि हम इन जनरल भी हम देश को ब्लेम करेंगे काफी चीजों के लिए, सफाई नहीं हो रही है, नहीं हो रहा, हमें लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के लिए हम खुद अगर स्टेप्स लेने लग जाए तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। सामने वाले का वो जो गांधी जी कहते थे कि बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, कि आप शुरुआत अपने आप से करें, चैरिटी बिगिन्स एट होम, वो वाली चीज है, बहुत ही बढ़िया बात है। और ये पूरे प्रिपरेशन में मुझे एक चीज जाननी है, मेरा काफी मन रहता है ये जानने का स्टूडेंट से कि आप लोग ने अपने डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैनेज करें, क्योंकि सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, इतना कुछ आजकल होने लग गया है कि 4 घंटे भी पढ़ने बैठना और पढ़ना, उसमें ये नहीं कि हम बीच में 1 घंटा इंस्टाग्राम पे लग गए, यूट्यूब पे लग गए, वो चीज आपने कैसे करी। मैम एक्चुअली फ्रेंड सर्कल मेरा फ्रेंड्स में कोई भी है ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का, मतलब मेरा नेचर अच्छा है, और मैंने हमेशा अपनी लाइफ को लिटरेचर में, राइटर्स के थॉट्स में, मतलब नॉवेल्स में, इन चीजों में अपने आप को डेडिकेट किया है। तो ऐसा कोई, अगर कभी मतलब इधर उधर घूमना फिरना ये भी मुझे पसंद नहीं है ज्यादा, ये मैंने सोच रखा है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तभी मैं ट्रैवल करूंगा, अदरवाइज मैं अपने आप को हमेशा से अलग ही एकांत में, जैसे एमिली डिकिंसन ने कहा था वो बहुत ही जी एकांत में जीती थी, तो उसी तरह मेरा जी माइंड, उसी तरह माइंड सेट मेरा भी था। तो मैं बहुत ही ज्यादा नेचर में, अलग एकांत में मैं रहना इसलिए पसंद करता हूँ, तो इसलिए मेरा लिटरेचर से बहुत गहरा कनेक्शन बिल्ड हो पाया। वाह वंडरफुल वंडरफुल, आई थिंक एक मुझे एक एकदम अच्छे स्टूडेंट की जितनी क्वालिटीज होती है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली थी, तभी आपने मतलब मैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी मेरे हिसाब से मैं क्लियर मानूंगी, पेपर 2 में आपने मेहनत करी तो उसमें आप क्लियर करेंगी, पेपर 1 में देखिए आपने मेहनत नहीं करी उस समय तो नहीं कर पाए, नहीं तो अगर जी वो भी मैम, होता तो आप पहले अटेम्प्ट में आराम से क्लियर कर पाते। यस मैम, वो बिल्कुल मेरी ही उसमें थोड़ी वीकनेस रह गई थी इसलिए जी, मैं नहीं कर पाया उसको। नहीं बट मतलब मुझे ये लगता है वो जो बोला जाता है ना कि आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं लाइफ में, और वो जी जर्नी मैम, को एंजॉय करना अपने आप में एक बहुत, मैं भी आज अपने बैक पास्ट में जाऊंगी तो मैं देखूंगी मैंने भी कई ऐसी चीजें करी है जो मुझे लगा था कि उस समय काश मैंने ये नहीं करी होती, बट आज मैं यस मैम, देखती हूँ कि मैंने अगर उससे वो लेसन ले लिया तो फिर वो मिस्टेक नहीं है, दैट वॉज जस्ट अ लेसन। सही हाँ बात है। हाँ और सही, आप नोट मेकिंग को कितना क्रूशियल मानते हैं, कि नोट्स जो आपने बनाए वो कितना क्रूशियल है यूजीसी नेट में, और किस तरीके से आपने नोट्स बनाए। मैम सबसे पहली बात तो अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कोई करता है और नोट्स नहीं बनाता है तो उसका एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जो मैंने था अपने जो नोट्स बनाए थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता था मैं वही लिखते चलता था, और बाकी उनको मैं रिवीजन भी देता था, ये नहीं कि सिर्फ लिख के रख लिया, बंडल्स तैयार कर लिया और रिवाइज नहीं किया। सही तो बात मैंने है, अच्छे से मैंने नोट किया हर एज को, मतलब प्रॉपर वे में एक तरफ से लेके आखिरी तक मैंने सब कुछ नोट किया। उसके बाद में एजेस वाइज मतलब रिवीजन किया, बार बार रिवीजन, कम से कम मैंने 6-7 बार तो रिवाइज कर ही लिया था पेपर से पहले तक।
इसलिए बहुत ही मैं बहुत ही जब बढ़िया बात है। तो मैम जब मैं पेपर में बैठा था तो सारी चीजें मेरे माइंड में क्लिक हो रही थी कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा था। मुझे मुझे ये भी याद आ रहा था कि मैंने इस पेज पे ये लिखा था, वहां पे ये लिखा था, इस कलर से मैंने ये हाईलाइट किया था। हर एक चीज माइंड में जैसे पिक्चर चल रही थी वैसे चल रहा था मेरे। जी मैम, तो ये ऐसे। सही बात है जी मैम, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब रिवीजन और नोट मेकिंग ये दो बहुत क्रूशियल चीज है। लोग सोचते हैं हमने पढ़ लिया तो हो गया काम, एक टॉपर में और मुझे लगता है एक स्टूडेंट जिसने क्लियर नहीं किया है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो रिवीजन का है। क्योंकि सिलेबस तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना आप कूद फांद के कैसे भी कोई भी कवर कर ही लेता है। सिलेबस जी मैम, एग्जाम से पहले हर आदमी कवर कर लेता है जितना वो कर सकता है, लेकिन रिविजन जी से वही लोग करते हैं जो एग्जाम क्लियर कर, वो एक चीज है। सही बात। और मैम इसमें एक चीज और है कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, वो मैंने, बहुत लोग क्या करते हैं कि ये पिछले जो 4-5 साल के हैं ये कर लेते हैं, जो आई थिंक सफिशियंट है भी। लेकिन मैंने क्या किया था कि 2004 से स्टार्ट किया था और पूरा 2023 पूरा मैंने 4 ऑप्शन सहित हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर में अंडरस्टैंड करके उसको अच्छे से तैयार किया था कि अगर पेपर में ये प्रीवियस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन लैंग्वेज ट्विस्ट की जाती है ट्विस्ट होके बिल्कुल और बाकी टॉपिक्स वही रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, मतलब इधर उधर से बिल्कुल थोड़ा घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर्स पे बहुत ज्यादा कमांड करनी चाहिए। आता ही है। और ये जो आपने बात बोली है बहुत ही सही है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, मैंने मेरी साइट पे भी 2004 से पेपर ही इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा 2004 से वो पेपर करके जाए। तो ये बहुत जी मैम, अच्छी चीज है कि आपने, क्योंकि मैंने देखा अभी जैसे इस बार के पेपर में एक बहुत बड़ा पैटर्न शिफ्ट है, इन्होंने वापस से पोस्ट कॉलोनियल से क्वेश्चंस दिए। अब लास्ट 4 साल में पोस्ट कॉलोनियल पे इन्होंने छुआ भी नहीं था ज्यादा, बट 2016 2015 में पोस्ट कॉलोनियल बहुत ज्यादा पूछा जाता था। तो जी वो मैम, जी, पैटर्न कहीं ना कहीं वो फैशन की तरह वो रिपीट हो रहा है कि हाँ फैशन हाँ कुछ समय पहले हर साल में रिपीट होता है, तो वो वाली चीज है। तो और पास्ट ईयर हाँ और एक चीज ये भी है कि अगर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर रहे हैं बार बार 2004 से 2023 तक, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ में बार बार, हर राइटर से आप उनके वर्क से मतलब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपका रिवीजन भी इससे होता जाता है। सही बात है, सही बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और मतलब अभी इस बार का आपको पेपर देख के क्या फील हुआ कि कैसा था? इजी था, डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, कैसा था? मैम इस बार का पेपर जो था वो मुझे मॉडरेट लगा था इस बार का पेपर, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, ये नहीं रटने वाला पेपर तो बिल्कुल नहीं था। इसमें मेरा जी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो वाली नॉलेज भी काम आई थी, जैसे कमला दास वगैरह के बारे में क्वेश्चन आए थे, तो वो मैंने पीजी में अच्छे से पढ़ा था तो उससे भी था। और बाकी अगर आपने आपकी जो कोर्स है उसको किसी ने अच्छे से फॉलो किया, अंडरस्टैंड करके फॉलो मतलब किया है पूरा अच्छे से, तो उसका अच्छे से ही हुआ होगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर लगा मुझे इस बार। कॉन्सेप्चुअल था, सही बात है। और यूजीसी नेट का पेपर होना भी कॉन्सेप्चुअल चाहिए। आप रट के एक अच्छा प्रोफेसर कैसे बने, बात ये। यस अगर मुझे मैम, किसी को आने लाइन मतलब किसी को एक अच्छा प्रोफेसर के लिए चुनना है तो मुझे ये देखना होगा क्या उसको समझ है उस एरिया एज की, कि अगर पोप ने उस टाइम पे एनलाइटनमेंट में ऐसी चीजें लिखी है तो वो विक्टोरियन टाइम पे क्यों नहीं लिखी गई, वो एनलाइटनमेंट में ही क्यों लिखी गई। थिएटर्स यस मैम, बंद हुए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि अचानक से एसेज और पीरियोडिकल्स ये सब ज्यादा आने लगते हैं। तो हम जब उस चीज को समझते हैं, और आपने जो स्टार्टिंग में जो बात बोली थी वो बहुत ही खूबसूरत थी कि एज को समझना। कई जी स्टूडेंट्स ये मैम, सोचते हैं हमसे राइटर को पढ़ ले, 50 यस मैम, राइटर्स को रैंडमली पढ़ ले, एक उस राइटर को मैंने भी क्रोनोलॉजिकली इसलिए दिया कि आप पूरा एक ब्रिटिश कल्चर को सीखते हुए आते हैं कि यार क्या हो रहा था उस सिविलाइजेशन में, कैसे कैसे बदलाव आया, वो और चीज है। एक मैम एक बात आपने और बोली थी, किसी भी राइटर को पढ़िए तो उसके जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, उसका माइंडसेट, उसको समझने की कोशिश करिए, तब आप उसकी उससे रिलेटेड जो भी आएगा एग्जाम में आप क्लिक कर पाएंगे। तो मैं किसी भी राइटर को पढ़ता था तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका माइंड मेकअप कैसा है, उसका मतलब क्या लाइफ रही है, तो उन चीजों को बहुत रिलेट करके पढ़ता था, तो जिससे मुझे सही एग्जाम बात में बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी चीज भी, आपको बहुत चीजें रटनी नहीं पड़ती है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है उस राइटर की। जैसे आप बता तो रहे हैं कि आज हम कितने सारे राइटर्स के, आप जेन ऑस्टिन है, अगर उनकी जीवन हम पढ़ ले और विक्टोरियन पीरियड पढ़ ले तो हमें कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, हमें पता है वो किस बैकग्राउंड से आई है, उन्होंने कैसा सोसाइटी देखा है और इसी के ऊपर उन्होंने फीमेल्स के ऊपर लिखा है। जी मैम, विलियम ब्लेक का जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि वो ड्राइंग स्कूल इलस्ट्रेशन, उन्होंने वो बचपन में स्कूल से आके पेंटिंग अपने प्रिंटिंग की जो दुकान थी उस पर बैठा करते थे, तो वहां से उन्होंने जितनी पोएम्स है उसको इतना सुंदर से इलस्ट्रेट करके हमेशा दिया।
तो ये अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हमको दिक्कत नहीं आती है। सही बात है। और पेपर के बीच में आप बताएं कि आपने वो जो 3 घंटे थे उसको कैसे आपने यूज किया, किस तरह से क्या फॉलो किया, कौन से सेक्शंस को आपने क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट किया, सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया, कि आपने अपने हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी? मैम, मैंने पेपर जो स्टार्ट किया था वो मैंने स्टार्ट किया था, मतलब पेपर 1 से ही स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, और मैं करते चला गया। उसी में पेपर 2 को भी मैंने एंड तक कर डाला, उसमें जितना मुझे आ रहा था मैं सब करते चला गया, जो जो मुझे ईजी लग रहा था। फिर मैंने जो सेकेंड राउंड लिया उसमें जो थोड़ा मुझे थोड़ा मतलब ये था कि आ रहे हैं और मैं कर लूंगा, तो उनको मैं करते चला गया। मैंने 3 राउंड में पेपर किया था, और ये नहीं कि मैंने पेपर 1 अलग टाइम निकाला या पेपर 2 के लिए अलग, मैं दोनों को साथ में लेके 3 राउंड में पेपर मैंने अपना कंप्लीट किया था। बाकी कंप्लीट ये किया आपने? जी मैम, बाकी मैंने ये किया था कि जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, जैसे कि पेपर 1 मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो उसमें हाँ जो चैलेंजिंग क्वेश्चन थे उसमें मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर लिया था, उसके बाद मैंने उसको लास्ट में सॉल्व किया था। और बाकी पेपर 2 में अगर इंग्लिश में देखा जाए तो उसके जो मैंने पैसेज वगैरह हैं उनको थोड़ा टाइम दे के सॉल्व किया था, क्योंकि वो जल्दी में नहीं किए जा सकते हैं। सही बात है, सही बात है। तो मतलब आपने पहले आपने ये स्ट्रैटेजी रखी कि पहले आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो आप श्योर थे 100%, आपने जी पहले जी उनको कर लिया, फिर उसके यस मैम, बाद में आपने वापस से पेपर को देखा, जो क्वेश्चंस में आप डाउटफुल थे उनको आपने मार्क पर रिव्यू किया, और यस फिर मैम, आपने लास्ट में जो प्रैक्टिकल पोर्शन थे जिसको आप बहुत आराम आराम से करते हैं उसको आपने हाँ फिर हाँ अटेम्प्ट किया। बहुत यस बहुत मैम, सही, क्योंकि आई थिंक यही राइट स्ट्रैटेजी होती है। कई लोग क्या सोचते हैं, हम पहले प्रैक्टिकल पोर्शन कर ले। आप किसी का अगर प्रैक्टिकल वीक है, आप DI के 5 क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे, आधी घंटा लगा दिया, तो आपका हार्ट बीट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा कि ना ये यस सॉल्व हो रहा है ना मेरे से बाकी क्वेश्चन हो रहे हैं, उस चक्कर में आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जी मैम, सही ऐसा बात है। होता और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये जान के कि आपने इतने करेक्ट तरीके से हर चीज, प्रिपरेशन हो, नोट्स बनाना हो, रिविजन करना हो, पास्ट ईयर पेपर्स देखना हो, आपने हर चीज को अपनी प्रिपरेशन में ना जोड़ा है। मैं जी हमेशा मैम, स्टूडेंट को बोलती हूँ, आप सिर्फ एक चीज करके कभी भी नेट क्लियर नहीं कर सकते। यस बहुत मैम, सारी चीजें लगता है, डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कंसिस्टेंटली पढ़ना है, जितना वो 3 घंटे एग्जाम के एक सही माइंडसेट के साथ में पेपर को अप्रोच करना है। डिमोटिवेट नहीं होना है कि 100 क्वेश्चन है मेरे को 10 नहीं आ रहे तो मैं बाकी 90 गलत कर दूँ उस चक्कर में, क्योंकि वो यस तो वो मैम, डालेंगे। इस बार आपको भी पेपर में लगा होगा कि ऐसे 10-15 क्वेश्चन हैं जो इन्होंने बहुत आउट ऑफ स्पेस डाले हैं। हाँ जी मैम, ऐसा बिल्कुल लगा था। बाकी इस बार इंडियन एस्थेटिक से भी अलग से ही क्वेश्चन बना के पूछ लिए थे, जो बनाते हैं कभी नहीं आते थे इतने डिफिकल्ट। तो ये मैंने सोचा कि ये अगर मेरे लिए तो सबके लिए है, मैंने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करी, जब मुझे नहीं आ रहा तो किसी और को भी नहीं आता होगा। नहीं आता तो मैंने कहा चलो इसको बाद में देखते हैं, जो मुझे आ रहा है पहले वो करता हूँ, तो वो ये मेरा करते हैं। माइंड सेट था वहां पे। सही बात है। और हम जब देखते हैं कि हमने फर्स्ट 1-1.5 घंटे में पेपर में 70-80 क्वेश्चन सही कर दिए, हम जी कॉन्फिडेंट है, वो इतना अच्छा बूस्ट देता है कि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग बाकी के क्वेश्चंस में भी दिमाग दौड़ने लगता है। नहीं तो वही हम पहले डिफिकल्ट लेके बैठ जाएंगे तो फिर हमारा दिमाग वही डिमोटिवेट हो जाएगा कि कुछ हो नहीं रहा है। तो बहुत ही यस अच्छी स्ट्रैटेजी थी, एंड थैंक यू सो मच सोनू, आपने आज जितने भी मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की टिप्स दी है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और एक ऐसे स्टूडेंट से आनी जिसने नेट क्लियर किया है, उसने अभी अभी किया है, उसको लेटेस्ट ट्रेंड पता है, उस हिसाब से उसने अपनी प्रिपरेशन के बारे में पूरा जर्नी जब बताया है, तो आई थिंक हर किसी स्टूडेंट के लिए ये बहुत प्रेरणाप्रद चीज होती है कि आप अपने फेलो लोगों से सीखो, अपने सीनियर्स से सीखो। और कहीं ना कहीं जी आज मेरा बोलना कि नोट्स बनाओ रिवीजन करो और एक आपका बोलना नोट्स बनाओ रिवीजन करो, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत रिलेट कर पाता है कि अच्छा हाँ सोनू ने किया है नोट्स बना के वो बोल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, अर्पिता ने बोला है तो हाँ ठीक है ये बोल रही है टीचर है, बट अगर एक स्टूडेंट ने उनकी बात सुनी है और उससे बेनिफिट हुआ है तो और ठप्पा लग जाता है उस चीज पे। तो यस थैंक यू मैम, सो मच अपना वैल्यूएबल समय निकालने के लिए। मेरी बेस्ट विशेस पास ऑन करिएगा अपनी पूरी फैमिली को, उनके लिए भी बहुत बहुत ही बड़ा दिन है, बिकॉज जब हम देखते हैं कि घर का कोई भी मेंबर तरक्की करता है तो पूरे घर का उद्धार होता है उस चीज से। ये मैंने मेरी लाइफ में भी देखा है कि एक जेनरेशन अगर कुछ ऐसा कर दे तो वो अपने पूरे फैमिली को फिनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत अपग्रेड कर पाती है, और ये एक जी बहुत मैम, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग भी होती है कि जब आप देखते हो कि आपकी वजह से आज आपके फैमिली के मेंबर्स के चेहरों पे स्माइल है। तो थैंक यू यस सो मच फॉर बीइंग द कॉज ऑफ स्माइल इन सो मेनी लाइव्स, एंड पूरी टीम arpitakarwa.com की पूरी टीम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है फॉर बीइंग सच अ अमेजिंग स्टूडेंट। मतलब सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए नहीं,
बट हमने जो भी पढ़ाया उसको उतनी शिद्दत से पढ़ने के लिए, और मैंने जो भी चीजें बोली है उसको एक्चुअली फॉलो करने के लिए, और नेट क्लियर करके हम सबको इतना प्राउड फील कराने के लिए। थैंक यू मैम। एंड जब भी आपका जयपुर आने का हो, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आप टीम को कॉल करिएगा, हमारा एड्रेस वेबसाइट पे डिस्प्लेड है। आप बहुत यू नो वी वुड लव टू मीट यू एंड वेलकम यू इन द सिटी। बहुत सुंदर सिटी है हमारी, वेरी रिच इन कल्चरल हेरिटेज। मैम एक चीज और है कि मैंने आपके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं। आप जैसे व्लॉग बनाती हैं, लंदन वगैरह जाती हैं, तो वो भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि कभी मैं भी ऐसे जाऊंगा। तो अरे मतलब आपकी, बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी पर्सनैलिटी जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन रही है कि अगर एक लिटरेचर का स्टूडेंट है तो उसको अपने आप को ऐसे ही बिल्ड करना चाहिए। ये नहीं कि केवल पढ़ लिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, बस हो गया, ये नहीं करना चाहिए। सही बात है, थैंक यू सो मच। और मेरा लंदन ब्लॉग्स का भी मन इसीलिए था कि मुझे था कि जब हम उन जगहों को एक्चुअली फील कर पाएंगे तो एक स्टूडेंट के लिए याद करना, चीजें कनेक्ट करना बहुत आसान होगा। जब हम शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर को देखते हैं तो अब मेरे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सबको मैं लंदन लेके जा सकूं, बट मैं लंदन को आप तक लेके आ सकती हूँ। तो जब हम ग्लोब थिएटर को देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है कि यहाँ पे टेम्पेस्ट, मैकबेथ जैसे प्लेज स्टेज करे गए थे, लोग यहाँ खड़े हुए थे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया हुआ था। तो मुझे गूजबम्स आ जाते थे, तो मुझे लगता था कि इस चीज को मैं इतनी खूबसूरती से कैमरे पे पोर्ट्रे करूं कि स्टूडेंट्स को और प्यार हो जाए लिटरेचर से। तभी मैं, हम लोगों की कंपनी भी 14 फरवरी को हमने स्टार्ट करी थी, बिकॉज मेरे को वैलेंटाइन्स डे को लिटरेचर से कनेक्ट करना था कि हम प्यार सिर्फ लोगों से क्यों करें, क्यों ना हम किताबों से, राइटर्स से, उनके थॉट्स से प्यार करें। तो ये है, तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी लाइफ में, आप जो भी अचीव करना चाहें। आई रियली विश कि भगवान आपको उस पाथ पे चलने की प्रेरणा दे एंड आपको हिम्मत दे कि आप उसको सक्सेसफुली कवर कर पाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, एंड जब भी जयपुर आए मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड विजिट अस। ओके मैम, थैंक यू सोनू, थैंक यू, बाय 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 मैम। बाय।